CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम कब की बात। आलेख बालक राम नागर का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। कब की बात है भला? आज की। कल की जो बीत गया है। कल से भी एक दिन पहले परसों की। तो बहुत दिन पहले की। क्या हुआ था बहुत बहुत दिन पहले? एक थी बड़ी बिल्ली। बिल्ली की छोटी बच्ची थी मानो। मानो बिल्ली से न जाने किसने कह दिया, रंगों में सबसे सुंदर सबसे बढ़िया सफेद होता है। कोई बात हुई भला? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, एक सिर्फ सफेदी रंग होता तो क्या इतना सुंदर लगता? तोता हरा ना होकर सफेद होता तो भला कैसे पहचाना जाता? कौवा काला ना होकर सफेद होता तो कौवा कौन कहता उसे? ठीक है ना? हाँ, तो हम सुना रहे थे बात मानो बिल्ली की। एक खेत में मानो बिल्ली अपनी अम्मा पूसी और दूसरे भाई बहनों के साथ रहती थी, मगर मानो बिल्ली थी बड़ी नटखट, बड़ी शरारती। जब देखो कोई ना कोई शरारत किया करती थी, कभी इसे छेड़ती, कभी उसे, कभी छोटे भाई को नाखून मारती और वो चीख उठता वी, कभी नन्नी किट्टी के बाल नोच लेती और वो चिल्ला उठती वी, कभी दादी अम्मा का डंडा उठा लाती और मटक मटक कर चलती, कभी अपनी अम्मा का हार पहनकर इधर उधर घूमती और गाती जो कोई भी ये सुनता सुनकर हंस देता। एक दिन उसने अपना वो गाना किसान के ढेचू ढेचू गधे को भी जा सुनाया। ढेचू ढेचू गधे को मानो बिल्ली का ये अकड़ना अच्छा नहीं लगा, वो भी अपना राग छेड़ने लगा। अरी जारी काली कलूटी, बैगन लूटी, अपना मुंह तो शीशे में देख। अब क्या था, गधे की ये बात किसान के भौ-भौ कुत्ते शेरू ने भी सुनी और उसने भौ-भौ करके सबको बता दिया। भेकू भेकू, मानो बिल्ली से कह रहा था, जारी जा काली कलूटी, बैंगन लूटी, अपना मुंह तो शीशे में देख। अब क्या था, बात सभी जगह फैल गई। जिधर भी मानो बिल्ली जाती उसे सभी ये बोलते हुए सुनाई देते, अरे जा, अरे जा काली कलूटी, अपना मुंह तो शीशे में देख। अरे जा, अरे जा
काली कलूटी बैगन लूटी अपना मुंह तो शीशे में देख। काली कलूटी बैगन लूटी, अब तो उसकी ये चिढ़ बन गई। सभी उसे ये कह कह कर चिढ़ाने लगे। अब तो मानो बिल्ली ने खेत से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। चुपचाप एक कोने में मुंह छिपाकर रोती रहती। सफेद दूध जैसा, उसे तरकीब सूझ गई। झट से आंसू पोंछे और भागी भागी पहुंची गाय के पास। झट से बोली, गैया मैया मुझे बताओ हो सकती हूँ गौरी कैसे। गैया मैया मुझे बताओ हो सकती हूँ गौरी कैसे। ना राम राम ना दुआ सलाम, मैं क्या जानू। मानो बिल्ली दौड़ी दौड़ी बत्तखों के पास गई, जो एक दूसरे पर पानी फेंकने का खेल खेल रही थी। वो बीच खेल में ही बोल उठी, बत्तखों को मानो बिल्ली का इस तरह उनके खेल के बीच में आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें आ गया गुस्सा। ना राम राम ना दुआ सलाम, अभी बताते हैं तू काली से गोरी कैसे हो सकती है। हाँ हाँ जल्दी बताओ, मानो बिल्ली ने कहा। तो सुनो, एक बत्तख बोली, धुल जाएगी कालिक सारी, गोरी किट्टी हो जाओगी। पानी में कूदने की बात मानो बिल्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तो पानी से बहुत डरती थी, मगर गोरी बनने के जोश में मानो बिल्ली बत्तखों की बात सुनते ही धम से तालाब में कूद गई और पानी में लगी करने डुबक डुबक डुबक। ये सब तमाशा किसान का कुत्ता शेरू देख रहा था। वो एकदम से पानी में कूदा और मानो बिल्ली को दुम से खींचकर बाहर ले आया। मानो बिल्ली को क्या पता कि पानी इतना ठंडा होगा। वो कांपने लगी, थर 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 थर, उसके दांत बचने लगे, कित 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 कित। मानो बिल्ली की अम्मा ने जब ये सारी बात सुनी तो उसने मानो बिल्ली को खूब डांट फटकार लगाई, खूब बुरा भला कहा और फिर उड़ा दी एक रजाई। थोड़ी देर में बिल्लियों के डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मानो बिल्ली को देखा और फिर बोले, बहुत शरारती बच्ची मालूम पड़ती है। माँ बोली, ये शरारती ही नहीं जिद्दी भी है डॉक्टर साहब। जिद पकड़ बैठ गए कि काले से गोरी होंगी, काले से गोरी होंगी। ऐसी जिद भी कोई करता है भला। भगवान भला करे शेरू कुत्ते का जिसने डूबने से बचा लिया मानो को। तभी इसे सर्दी लग गई है, इसे आज चारपाई से हिलने ना दो, खाने को भी कुछ ना दो। मानो बिल्ली पर एक कंबल और डाल दिया गया। रात को पूसी माँ मानो बिल्ली के भाई बहन खाना खाने बैठी। अच्छा ये तो बताओ, वो क्या चीज है
जिसे देखकर बिल्लियों के मुंह में पानी भर आता है? चूहा। हाँ, चूहा। इधर सब चूहे उड़ा रहे थे और उधर मानो बिल्ली चुपचाप चारपाई पर पड़ी थाली में रखे मोटे मोटे चूहे देख रही थी। वो थाली में रखे चूहों को देखती जाती और लेटे लेटे जीभ से होठों को गीला करती जाती। तभी किसान के लड़के ने अपना रेडियो खोल दिया। पता है कौन सा गाना आ रहा था? खरबूजे के खेत में तीन थी चूहियां। खरबूजे के खेत में तीन थी चूहियां। खरबूजे के खेत में तीन थी चूहियां। तीनों थी कल मुहियां। हाँ, तीनों थी कल मुहियां। फिर एक पटाखा छूटा जैसे कोई बर्तन टूटा। फिर एक पटाखा छूटा जैसे कोई बर्तन टूटा। आज डर गई तीनों चूहियां। आज डर गई तीनों चूहियां। तुमको अपनी मोड़ मोड़ कर तुमको अपनी मोड़ मोड़ कर भागी तीनों चूहियां। आज भागी तीनों चूहियां। पहली चूहिया ये भागी दूसरी चूहिया वो भागी। पहली चूहिया ये भागी दूसरी चूहिया ये भागी। और तीसरी से भागा ही नहीं गया। भागा ही नहीं गया। बिल्लियों ने ये गाना सुना तो खिलखिलाकर हंस दी। एक नहीं हंसी तो वो थी मानो बिल्ली, जो चारपाई पर पड़ी थी और जिस पर लदे थे कंबल और रजाई। थोड़ी देर में मानो बिल्ली को नींद आ गई। उस रात उसने देखा एक सपना। तोता कह रहा था, मैं हरा हूं, मुझे हरा रंग अच्छा लगता है। कोयल कह रही थी, मैं काली हूं, मुझे काला रंग अच्छा लगता है। और अगले दिन जब मानो बिल्ली जागी तो उठते ही पूसी अम्मा से कहा, मुझे काला होना अच्छा लगता है माँ। माँ, तुम मुझे काली कलोटी बैंगन लोटी कहकर देखो, मैं नहीं चिढ़ूंगी। म्याऊ, जब तू नहीं चिढ़ेगी तो कोई फिर तुझे चिढ़ाएगा क्यों? ये बात किसान का गधा और कुत्ता शेरू भी सुन रहा था। दोनों बारी बारी से बोले, काली कलूटी बैंगन लूटी कहने पर तुम चिढ़ोगी नहीं तो कोई क्यों कहेगा? अपना मुंह शीशे में तो देख। ये सुनकर सब हंसने लगे। मानो बिल्ली की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। ही किए जा रही थी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।